के व्यंजन इस प्रकार हैं, जैसे क ख ग घ व, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, अड ढ, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, श श ये ताल्वश मूर्धनिश दंस ह, ये उष्म व्यंजन कहलाते हैं। य र ल व अंतरस्थ व्यंजन कहलाते हैं। तो क से म तक कहता है कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन, य र ल व अंतस्थ व्यंजन, और ये ताल्वश मूर्धनिश दंतस जैसे हम कहते हैं ह, ये उष्म व्यंजन है। ये श जो वो शलगम वाला स होता है, ये जहाँ पर हमें षटकोण लिखते हैं ये स ही प्रयोग में आता है, और सपेरा जब लिखते हैं हम ये स प्रयोग में आते हैं, तो ये उष्म व्यंजन कहलाती है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के अनेक शब्द हिंदी में आ गए हैं जिनमें ये क, ये नुक्ता लगता है, क ह ग ज फ ध्वनियां हैं। इनका उच्चारण क ख ग ज फ से भिन्न है और शब्दों के अर्थ भी अलग हैं। हिंदी में क ख ग का प्रयोग अब लुप्त हो गया है, परंतु ज और फ का अर्थ भेद के कारण प्रयोग आवश्यक है। जैसे हम नुक्ता कहते हैं, इन वर्णों को हम नुक्ता कहते हैं। क में नुक्ता लगाने से ख उच्चारण होता है, ख में नुक्ता लगाने से ख उच्चारण होता है, ग में नुक्ता लगाने से ग उच्चारण होता है, ज में नुक्ता लगाने से ये ज उच्चारण होता है, फ में लगाने से फ उच्चारण होता है। जैसे फायदा, जरा, गजब, ये सब उच्चारण होते हैं। जैसे राज, राज्य, राज, रहस्य, सजा, दंड, सजा, सजाना।